भाजपा ने दौसा विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। यह निर्णय पार्टी की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें स्थानीय नेतृत्व और डॉक्टर किरोड़ी की मेहनत को महत्वपूर्ण माना गया है। जगमोहन मीणा ने कहा, दौसा के विकास के लिए पानी की उपलब्धता प्राथमिकता रहेगी। जगमोहन मीणा से जनता दरबार ने की खास बातचीत, आइए आपको भी सुनाते हैं। दौसा से विधानसभा प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको टिकट मिलने की, और सबसे बड़ी जो बात है, दौसा में क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता वहाँ पानी रहेगी। अब भी स्थिति ये है कि 7 दिन तक शहर में पानी नहीं आता है। उसके लिए ERCP जैसा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो कोशिश की जाए उसको जल्दी से जल्दी दौसा में लाया जाए, लोगों की पानी की समस्या को समाप्त किया जाए। दौसा में सबसे बड़ी है बच्चों के पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है। छोटी छोटी कोचिंग में 100-100, 150-150 बच्चे भरे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा एजुकेशन हब बने, और वो भी कोटा और सीकर के पैरेलल आए, वहां विद्यार्थी पढ़ें, कंपटीशन दें और आगे निकलें। इसलिए मेरा ये भी एक प्रायोरिटी का काम है। प्रायोरिटी का काम ये है कि सामाजिक समरसता बने, आपस में जो अलग अलग समाज हैं उनमें कोई मनमुटाव और लड़ाई का काम नहीं रहे, बल्कि उनमें एक दूसरे में भाईचारा रहे। ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं इन मुद्दों पर काम करूँगा, और चूँकि मेरे को लंबा कार्य का अनुभव है तो निश्चित रूप से मुझे इनमें सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये सब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय ही किरोड़ी लाल जी आपके लिए टिकट की बात कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन अब जाके मिला है, इसे किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, उस समय किरोड़ी लाल जी ने मेरे टिकट के लिए खूब प्रयास किया था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। पार्टी की अपनी परिस्थितियां होती हैं, वो किसे टिकट दे या किसे नहीं दे। नहीं दिया, अब मैंने अपने प्रयास किए और मुझे टिकट मिल गया, तो मैं अब चुनाव लड़ूंगा। ये इतने 10 महीनों में जो किरोड़ी लाल जी की जो नाराजगी थी, क्या इसी वजह से थी? नहीं, नाराजगी का विषय था उनका लोकसभा चुनाव में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये कमिटमेंट किया था कि पूर्वी राजस्थान की सीटों को मैं लेकर आऊँगा पार्टी के उसमें। लोगों, कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान की भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित कर दिया, लोगों ने वोट पार्टी को नहीं डाला और कांग्रेस में डाल दिया, जिससे पार्टी कई सीटों पर हार गई। डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया कि इन वोटों को समेटा जाए, मोड़ा जाए, लेकिन वो लोग भ्रमित हो चुके थे, उनकी हार से वो आहत हुए और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जो आरक्षण और जाति की जो राजनीति, जो आपने भी कहा कि विपक्ष ने जो फैलाई थी, इसे आप कैसे तोड़ पाएंगे दौसा के अंदर? नहीं, अब तो टूट गई, वो तो हरियाणा में पुष्टि कर दी उसकी, तो भ्रम खत्म हो चुका है, पूरे देश से भ्रम खत्म हो चुका है। सचिन पायलट का जो प्रभाव है दौसा में, देवली उनियारा में, क्योंकि दौसा में आपको सीट मिली है, मीणा जाति को टिकट मिली है, कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद ये भी की जा रही है कि दौसा के साथ साथ देवली उनियारा को भी आप साधें? हाँ बिल्कुल, देवली उनियारा साधा जाएगा, मैं गारंटी से दोनों सीट निकलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय सचिन पायलट जी बड़े नेता हैं, उनका अपना प्रभाव है, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पे जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। 7 में से कितनी सीटों का दावा आप करते हैं? मेरी समझ में तो मैं तो चाह सोचता हूँ सभी आए, पर कम से कम 4 रामगढ़ है, क्लियर है, दौसा है, देवली उनियारा है, सलूम्बर है, इधर खीवसर है, सीटें निकलेंगी सारी। ये थे हमारे साथ जगमोहन मीणा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि 7 में से कम लगभग सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। जो नाराजगी थी किरोड़ी लाल जी की, वो अब लगभग लगभग समाप्त हो गई है, और दौसा में जो भी इनकी प्राथमिकता है, पढ़ाई है, पानी है, उन्हें दूर किया जाएगा, और दौसा को उसका उचित जो हम कह सकते हैं स्थान है, वो अभी तक जो नहीं मिला वो दिलाया जाएगा, और सचिन पायलट का जो करिश्मा है उसे भी दौसा से खत्म किया जाएगा, और ना सिर्फ दौसा बल्कि देवली उनियारा को भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली जीता जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।